हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जो भाई सीखना चाहता है मशीन, तो मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, एक एक करके नाम सारे पार्ट्स का। तो वीडियो सब शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना। तो दोस्तों, सारे पार्ट्स का नाम मैं एक एक करके सारे बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके बारे में दोस्तों, इसका नाम है डिपर, आप देख सकते हो, इसको डिपर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दोस्तों बूम। ये दोस्तों बूम इसको बोलते हैं और इसको डिपर बोलते हैं। और इसके बाद ये जो चीज जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं KPC। ये हो गया आपका KPC दोस्तों। इसको आप इधर से करते हैं, मतलब उधर से कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल में ये सेंटर में है, तो इस सेंटर में ही काम होता है। इसका काम जब शिफ्ट करने का आता है, जैसे आप कहीं नाली वाली का खुदाई कर रहे हैं, तो इसको एक साइड करके और नाली का खुदाई आराम से कर सकते हैं कहीं। तो इसके लिए ये KPC इसका नाम है। तो दोस्तों, इसको इधर उधर भी शिफ्ट करते हैं जब जरूरत पड़ने पर, बाकी टाइम ये फिक्स में बीच में ही सेंटर में ही रहता है। तो ये हो गया दोस्तों सारा, आपको बता दिया कि पर ये बूम और ये KPC। तो जब भी आप मशीन सीखने के लिए जाएंगे या सीख रहे हैं ना, तो सारे आपको नाम पता होना चाहिए दोस्तों। इधर ये आपको बता दिया KPC बूम और ये आपका डिपर। तो ये हो गया दोस्तों, देख सकते हो, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। ये जमीन पटेलते हैं, मशीन उठा के ही काम होता है, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। ये दोनों तरफ है, इसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। अब दोस्तों, बच रहा आगे का हिस्से में हम आपको बता रहे हैं आगे किस पार्ट का क्या नाम है। तो दोस्तों, ये बाएं साइड में आप जो देख रहे हैं, ये है आपका हाइड्रोलिक टैंक, और दाहिने साइड में आपका डीजल टैंक है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो ये हाइड्रोलिक टैंक और उधर दाहिने साइड डीजल टैंक है। और दोस्तों, इसको बोलते हैं लोडर आर्म, ये है आपका लोडर आर्म है। तो ये जो हाइड्रोलिक टैंक है, इसी में आपका नई वाली मॉडल मशीन में, इसमें आपका डीजल का मोटर लग रहा है, जो इसमें फिल्टर लग रहा है डीजल का। और एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इसका जो हाइड्रोलिक पंप है, वो पहले अलग जगह में था और अब अलग आगे की तरफ कर दिया है, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि हाइड्रोलिक पंप कहाँ है और पहले कहाँ पर रहता था। तो आ जाइए दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो, पहले पुरानी मशीनों में ये यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगा होता था, यहाँ से हटा के दोस्तों अब आगे की तरफ कर दिया है। जैसे पुरानी मशीन में जहाँ सेलफ लगा होता था, उसके पास में आपका हाइड्रोलिक पंप लगा दिया है यहाँ से हटा के। यहाँ जब दोस्तों पंप लगा होता था ना, तो जब इसमें ये दिक्कत आती थी कि जब भी यहाँ से तोड़ देता था, तो आपका पंप को भी तोड़ देता था। तो यहाँ से हटा के वहाँ आगे लगा दिया है। अभी आपको इधर कुछ काम है या फोन लाइट में या कुछ में, इधर पीछे का साइड तो काफी जगह है, आप आराम से देख के कर सकते हैं। और पहले वाली मशीन जब यहाँ पंप लगा होता था दोस्तों, तो फोन लाइट को अगर कोई दिक्कत आए तो वो नहीं दिखता था। तो सारे कुछ अभी ये पूरा खुला है, इधर से कोई भी दिक्कत आता है तो इसमें ठीक करने में आपको आसानी होती है। तो यहाँ से हाइड्रोलिक पंप हटाने से आपको ये फायदा है कि बाई चांस कभी भी आपका ये क्रॉस यहाँ से टूटता था, तो ये टूट के आपका ये पंप को डैमेज कर देता था। तो अभी इस चीज से आप बचेंगे। अब ये बढ़िया सिस्टम दे दिया यहाँ से हटा के। और दोस्तों, उसके बाद ये देख सकते हो, ये आपका गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स है आपका इंजन, इसके आगे ठीक है, इसका चैम्बर दिख रहा है नीचे से। यहाँ इसी के बगल में ये ट्रांसमिशन फिल्टर लग रहा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों लोडर का कंट्रोल वाल्व ब्लॉक। ये जो है मेन लोडर के लिए है, ये लोडर कंट्रोल वाल्व ब्लॉक है। और उसके बाद दोस्तों आपका जो है दोस्तों, ये आपका बकेट का कंट्रोल वाल्व ब्लॉक है, और ये दोनों स्विंग सिलेंडर है, ये दोनों, ये आपका कंट्रोल वाल्व ब्लॉक है। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगे
तो कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक करके जाना।